जी, तो कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, प्रकृति की चार अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इनके स्वभाव, धर्म, परम धर्म का पिछली बार अध्ययन भी किया था, और अभी मैं और शरीर को लेकर, यानी चैतन्य और जड़ इकाई के संस्तित्व को लेकर इन चारों अवस्थाओं का विश्लेषण कर रहे थे। उससे बहुत सारे नए प्रश्न बने थे और उनको हम लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया था। और ये भी बात हुई थी कि जितने भी तरह के प्रश्न बन पा रहे हैं आपके अंदर इन चारों अवस्थाओं को लेकर, इनकी पूरकता को लेकर, उस पर अभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो कल दिन भर में जो भी आपने इनका विश्लेषण किया, उससे अगर कोई नए प्रश्न बने हो तो आप रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि कैसे अस्तित्व का प्रकटन चार अवस्थाओं के रूप में और इनके परस्पर पूरकता के रूप में है। तो हमने देखा था कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है, और अस्तित्व के प्रकटन के रूप में ही प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में और UHV2 में भी स्टडी किया था, किस प्रकार ये बाकी तीन अवस्थाएं एक दूसरे के लिए पूरक हैं। मानव समझ के अभाव में, ज्ञान के अभाव में खुद के लिए भी पूरक नहीं हो पा रहा और इन बाकी अवस्थाओं के लिए पूरक नहीं हो पा रहा, और उसका एक मेजर कारण ये है कि हमें बाकी अवस्थाओं के बारे में समझ नहीं है, इसलिए हम इनके लिए पूरक नहीं हो पा रहे। तो कल जब उन्होंने ये डिस्कशन ओपन किया कि चैतन्य इकाई किस अवस्था में है और किस अवस्था में नहीं है, तो बहुत सारे प्रश्न बन रहे। तो एक था कि पदार्थ अवस्था में सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है, प्राण अवस्था में भी सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है, मानने की क्रिया जीव अवस्था में दिखती है, ज्ञान अवस्था में दिखती है। के लिए जड़ इकाई में एक ऐसे भाग का होना आवश्यक है जिससे चैतन्य इकाई सूचना का आदान प्रदान करता है, जिसको ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन भी एक समृद्ध स्थिति में हो, न कि एलिमेंट्री स्थिति में हो। समृद्ध स्थिति को होने का मतलब कि इतना सक्षम है कि सूचना का आदान प्रदान चैतन्य के साथ कर पाता है। ये दो चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी, इससे कोई नया प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, उसमें चर्चा कर सकते हैं। भैया, मेरा सवाल एक है। मैं के विचार कर रहा था, असली में कल एक दृश्य देख रहा था, कई दिनों से देख रहा हूँ कि हम जब आते जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, तो रास्ते में एक पागल मुझे दिखाई देता, जो पिछले 6 महीने पहले ठीक ठाक हालत में था और काफी बात समझता मस्ता था, लोग यहाँ वहां कर देते थे उसको। अभी मैंने इसको 3 दिन से देख रहा हूँ कि वो, मैं उसको कुछ कहो भी तो वो समझता नहीं है। यहाँ वहां मतलब रोडों में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरा उसको देखते हुए सवाल आया था कि ये एक मानव था और इसके अब ये क्या है, इसको जीव अवस्था मतलब इसको जो है एनिमल अवस्था में हो सकता है क्या? ये अभी भी ह्यूमन ऑर्डर में ही आएगा ये? नहीं, है ह्यूमन ऑर्डर में, परंतु सेल्फ में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि शरीर का साधन की तरह प्रयोग नहीं कर पा रहा ठीक से। हो सकता है कोई उसके अंदर, इसको पागल कहते हैं हम लोग, कोई ऐसा कंफ्यूजन, कोई ऐसा विरोध गहरे में बन जाता है कि व्यक्ति उससे फिर निकल नहीं पाता, उसका मूल्यांकन ही नहीं कर पाता, और इसलिए वो स्थिति बनी रहती है। इनफैक्ट दो तरह की स्थितियाँ दिखाई देंगी। एक तरह की स्थिति है जिसमें सेल्फ में, कल्पनाशीलता में, कोई ऐसा वितरित हो गया है, कोई ऐसी चूक हो गई है, कोई गहरी मान्यता बन गई है, कोई अंतर्विरोध बन गया है, जिसके कारण शरीर तो स्वस्थ है परंतु शरीर का प्रयोग सही विधि से नहीं हो पा रहा। दूसरी संभावना है कि मैं में ऐसी कोई गहरी विसंगति नहीं है परंतु शरीर अस्वस्थ है, ब्रेन अस्वस्थ है, जिसको मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, मेंटली टाडे रह व्यक्ति। तो एक तरह की स्थिति है जिसमें मैं में समझ का गहरा अभाव हो गया है, भले ही शरीर स्वस्थ है। दूसरा है कि मैं में कोई गहरा अभाव नहीं है समझ का, परंतु शरीर अस्वस्थ है, इसलिए शरीर का प्रयोग नहीं कर पा रहा साधन की तरह। इतना ही है, और ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पागल व्यक्ति में और हम में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। कई सारी हमारी भी मान्यताएं बन जाती हैं जो गहरे गहरे संस्कार के रूप में काम करते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते हैं। उस बात को हम बार बार दोहराते रहते हैं अपने आप में, जैसे पागल व्यक्ति को देखें, वो बार बार दोहराता रहता है ना, उसका आचरण निश्चित नहीं रहता, उससे कुछ भी कहिए तो उसका क्या रिएक्शन आएगा कुछ निश्चित नहीं रहता। वैसे ही हम भी गलतियां कर रहे होते हैं, हमारे भी बहुत गहरे गहरे मान्यताएं बन जाती हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। किसी व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव बन गया
नहीं निकल पाते उससे, या एक अभ्यास ही बन गया कि सिर्फ दूसरे के लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को देखना है, अपने लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को नहीं देखना है। इतना गहरा अभ्यास हो जाता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो जब भी कल्पना करने बैठते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव को रखकर उसकी गलतियों को देख रहे होते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो अगर देखें तो बहुत सीवियर डिफरेंस हो, ऐसा नहीं है कोई मेजर डिफरेंस हो। जी जी भैया, धन्यवाद। हाँ, आप जो पदार्थ का वो बता रहे थे ना पहचानना, उसमें एक तो आपकी थोड़ी आवाज चली गई थी, और मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा उदाहरण के साथ थोड़ा समझना चाह रहा था कि पदार्थ जो है वो जानना पहचानना कैसे होता है पदार्थ अवस्था में, और उसके बाद मतलब ये जीव अवस्था में, ज्ञान अवस्था में कैसे, थोड़ा सा बताएंगे भैया? पदार्थ अवस्था में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है। जैसे हमने स्विच दबाया, फैन चलने लगा, फिर स्विच दबाया, फैन रुक गया। ये क्या हो रहा है? स्विच और फैन के बीच में एक निश्चित संबंध बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो फैन चलेगा, नहीं फ्लो करेगा नहीं चलेगा। सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है कि नहीं, यहाँ कोई मानना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि फैन ने कुछ मान लिया, तो हमने स्विच दबाया, हमने दबाया इसे नहीं चलेगा, अगले ने दबाया इसे चलेगा। ऐसा पशु पक्षियों में हो सकता है कि आपने पुचकारा तो दौड़ कर आपके पास आ गया, आपके पड़ोसी ने पुचकारा तो भौंकने लगा, बट ये फैन के साथ नहीं होगा। तो फैन में देखें उसे पहचानना निर्वाह करना है। पेड़ पौधों में भी नहीं होगा। चाहे मैं पानी डालूं, आप पानी डालें, पानी अगर ठीक है और पौधा को पानी की जरूरत है, पौधा उसको एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा और उससे पुष्ट होगा। नहीं जरूरत है तो हो सकता है पौधे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पत्ता पीला हो जाए उसका, ज्यादा पानी हो गया है। तो मानने की क्रिया न तो पदार्थ अवस्था में है न तो प्राण अवस्था में है। मानने की क्रिया जीव अवस्था में है और हम में, ज्ञान अवस्था में। तो ये जो सामने लिखा है कि अगर हम पदार्थ अवस्था को देखें तो वहां सिर्फ पहचाना निर्वाह करना है, प्राण अवस्था को देखें तो सिर्फ पहचाना निर्वाह करना है, जीव अवस्था को देखें तो मानना पहचाना निर्वाह करना है, ज्ञान अवस्था को देखें वहां जानना मानना पहचान निर्वाह करना। जानने की क्षमता है उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, और पहचाना निर्वाह करना है ना, हो ही रहा है, मानना हो ही रहा है, ये दिखाई देता है। इसको समझने से इनके साथ हमारी भागीदारी क्या है वो ठीक से समझ में आती है। नहीं तो हम किसी न किसी अवस्था का अधिमूल्यन कर लेते हैं, किसी अवस्था का अवमूल्यन कर लेते हैं। अगर हम मान लें कि हर एक अवस्था में सेल्फ है तो फिर हमारे जीने में चूक हो जाएगी, और ये मान ले किसी में सेल्फ नहीं है तो फिर चूक हो जाएगी। तो ऐसे अपने बारे में मान ले कि सिर्फ बॉडी ही है, तो देखा ही कि कितनी बड़ी गलतियां करते हैं हम। जैसे अपने आप को शरीर माना, सुविधा को सुख माना, और उसे फिर सुख के लिए श्रद्धा संग्रह में लग गया, भोग में लग गया, और परेशान दुखी हो गया, धरती को बर्बाद कर दिया, समाज को बर्बाद कर दिया। तो हम या तो अधिमूल्यन कर लेते हैं या अवमूल्यन कर लेते हैं। जैसे अगर हम सेल्फ को ना समझें तो अपने जीने में चूक होती है, हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं और फिर उसके साथ जो विसंगति होती है जीने में वो चलती रहती है। और ऐसे मान ले कि हर एक में सेल्फ है तो पता चला कि अगर हमको सांस भी लेना है तो हमको लगता है हम किसी की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने मान लिया कि ये है ना कीट पतंग है, जो जीवाणु है, विषाणु है, इन सब में सेल्फ है, तो हमको लगता है मैं सांस भी ले रहा हूँ तो मैं किसी की हत्या कर रहा हूँ। इसका निष्कर्ष क्या है? तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जीना दूसरे के नुकसान पर आधारित है, दूसरे के शोषण पर आधारित है। तो फिर हम मान लेते हैं कि हमारा जीवन ही ऐसा है कि अगर हम जिएंगे तो बाकी सब प्रताड़ित होंगे, शोषित होंगे। अब अगर जैसा मान लेते हैं तो हमको लगता है नेचर का डिजाइन ही गड़बड़ है। अब नेचर के डिजाइन को अगर गड़बड़ मान ले तो फिर अपने आचरण की निश्चितता कैसे तय करेंगे? तभी जो बात हो रही थी ना कि एक पागल व्यक्ति का, तो अगर हम इन सब चीजों को न समझें तो हम बहुत सारी ऐसी गहरी मान्यता बना लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं नेचर का डिजाइन ही गड़बड़ है, नेचर संघर्ष पे ही आधारित है, विरोध पे ही आधारित है। क्योंकि एक मानव को भी अगर अपने शरीर को चलाना है तो उसके लिए सांस लेना होगा, सांस लेगा तो उससे किसी की हत्या होगी, हत्या होगी यानी संघर्ष हो रहा है, शोषण हो रहा है, यानी प्रकृति की बनावट ही ऐसी है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर शोषण करना पड़ेगा, है ना, दूसरे के अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। तो जब जीवाणुओं के भी अस्तित्व को मिटा सकते हैं तो मानव के अस्तित्व को नहीं मिटा सकते, उससे एक निष्कर्ष निकलता है। जब भी कहीं तर्क वितर्क करिए तो निष्कर्ष निकलते हैं कि नहीं, भोजन भी लेना है तो कहाँ से लेना है तय नहीं होता, जो शरीर को संरक्षण देना है कैसे देना है तय नहीं होता कि
सुख का स्रोत क्या होगा ये तय नहीं होता, ये बहुत सारी मान्यताएं बन जाती है। तो हम भी एक पागल व्यक्ति की तरह फिर आचरण कर रहे होते हैं। हमने मान लिया कि प्रकृति का डिजाइन ही गड़बड़ है, ये इतनी गहरी मान्यता बन गई कि एक पागलपन की तरह दिखाई देता है। लाभ उन्माद है ना, भोग उन्माद, काम उन्माद, क्योंकि हमको लगता है कि उन्माद से ही सुख है। तो पूरे नेचर ही, पूरा एग्जिस्टेंस ही अपने आप में डिस्टर्बेंस है, एक डिजाइन ही पूरा गड़बड़ है। तो आप देखेंगे कि सभ्यतागत गलतियां हुई हैं ये, कहीं ये मान लिया गया। अगर देखें तो पश्चिमी देशों द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण हुआ दूसरे देशों पर, जिस तरह से इंपीरियलिज्म फैला, अगर उनके बेसिक थॉट प्रोसेस को देखें कैसे सोच रहे हैं, उसमें आपको ये सब गलतियां दिखाई देंगी। जिस तरह के आंदोलन हुए इतिहास में, बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें करोड़ों लोग मरे, उनमें भी देखें तो ये बेशक गलतियां हो गई। अगर कोई समझदार व्यक्ति देखे तो सोचता है क्या पागलपन चल रहा है, ये जीना जितना सहज हो सकता है उसके लिए इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत है। अब हमने मान ही लिया कि प्रकृति में संघर्ष अंतर्निहित है, तो संघर्ष कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी कर रहे हैं और जस्टिफाई भी कर रहे हैं। फिर ये भी निष्कर्ष पहुंच जाते हैं भाई कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर का डिजाइन ही सुखी होने का, सुखी करने का नहीं है, वो रखता नहीं है, यहाँ संघर्ष है, इस निष्कर्ष पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल पागलपन की स्थिति बन जाती है। इसलिए इन अवस्थाओं को जैसा है वैसा समझने की जरूरत है। जी बढ़िया जी भैया, ठीक है भैया, बढ़िया है भैया जी। जी भैया एक प्रश्न है, जब सेल्फ बॉडी से बाहर बाहर छूट जाता है भैया और इवॉल्व होके नेक्स्ट बॉडी अगर लेता है तो पिछले का कुछ भी याद नहीं रहता भैया? ऐसा याद रहना है तो कुछ ट्रेनिंग जरूरी है भैया सेल्फ को? क्या करना है याद कर, क्या बताइए, याद तो रह सकता है बट क्या करना है? अभी भी आप देखिए इस लाइफ में जो कुछ हुआ आपके साथ उन सबको याद रखना चाहते हैं क्या? नहीं भैया इसी लाइफ में जो कुछ हुआ अगर सुखद नहीं था उसको भूल जाना चाहते हैं तो पिछली लाइफ को याद करके क्या करेंगे? तो देखिए आप ही हैं, है ना, अब आपका भी आप देखे तो ये बीते हुए जिंदगी में भी बहुत सारा कुछ हुआ बट आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होती गई तो उसको भूलते गए। अगर उसका रेलिवेंस बना रहता तो याद रखते हैं, हम अपने माता पिता के चेहरे को हमेशा याद रखते हैं, उनके साथ संबंध हमारा बना हुआ है, उसमें निर्वाह बना हुआ है। पर बहुत सारे लोग संपर्क में आए उनको हम भूल जाते हैं, तो ऐसा ही है। तो सेल्फ में भी जिस चीज़ की प्रायोरिटी बन जाती है उसको याद रखता है, प्रायोरिटी नहीं रहती भूल जाता है। दूसरी साथ ये भी जुड़ी हुई है कि शरीर के साथ जब आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का तो चीज़ें दोहराते रहते हैं, जैसे हम किसी के चेहरे को रोज देख रहे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे किसी का चेहरा देख रहे हैं, तो चेहरे को ज़्यादा दिनों तक याद रखेंगे। किसी का चेहरा हम 8 घंटे के 8 सेकंड में नहीं देख रहे हैं दिन भर में तो भूल सकते हैं। एक तो प्रायोरिटी का मुद्दा है, इसके आधार पर हम याद रख पाते हैं चीज़ों को, दूसरा दोहराना है ना, वो दोहराते रहते हैं। तो ऐसे हम रूप का ज़्यादा आस्वादन करते हैं, नाम का कम आस्वादन करते हैं। इसलिए आपको दिखाई दिया कि नाम तो कई बार हम भूल जाते हैं, रूप याद रहता है, क्या इस व्यक्ति से कहीं मिले हैं ठीक है ना, बट इसका नाम क्या याद नहीं। तो जरा कोई व्यक्ति आके आपसे मिल रहा है पार्टी में या किसी फंक्शन में, नमस्ते कर रहा है, गर्मजोशी से बात कर रहा है और आप याद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, आप भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि नाम को कई बार दोहराने वाला काम नहीं हुआ, चेहरे को तो देखने वाला काम हुआ। ऐसा ही है ठीक है भैया। भैया जी और एक प्रश्न है भैया जी, हमारा शरीर में भैया कुछ कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश है और प्राणमय कोश, ऐसा आनंदमय कोश है ऐसा, ये ओनली सेल्फ के इवॉल्व होते होते ये सब हम रिच कर पाएंगे क्या भैया? कैसा ये सिस्टम? ये शरीर में नहीं है, है ना जी, ये शरीर में नहीं है। तो ये जो कोश है इनको डिफाइन किया गया है ताकि शरीर को शरीर की तरह देख पाए और सेल्फ को सेल्फ की तरह देख पाए। तो ये जो आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है ना, ये सारा तो सेल्फ में है। इसलिए मुख्य अन्नमय क्रियाएं हैं, वो देखने का काम, क्रियाओं को समझने का काम जी। अन्नमय कोश प्राणमय कोश बॉडी में है। हाँ, अन्नमय कोश का जो शरीर है आपका है ना, हाँ प्राण में जब कह रहे हैं तो उसको देखना होगा। प्राण तो सेल्फ और बॉडी को कनेक्ट करता है,
सही है भैया। हाँ, तब ये इस तरह के फॉर्मुलेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो जो हम लोग एक्टिविटीज को देख रहे हैं ना, उसको देखें समझे, उसी बात ही समझे। जैसे इनके आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तब वो समझ जाएगा क्या कहा जा रहा है। नहीं, ये भी कुछ यूएचयू का पार्ट है क्या भैया आगे? मतलब देखिए, यूएचयू का पार्ट इस रूप में है कि अल्टीमेटली हम रियलिटी को स्टडी कर रहे हैं, बट उसको कैसे हम सीमित शब्दों में स्टडी कर लें, क्योंकि सेल्फ को हर परंपरा में, हर दर्शन में स्टडी करने का अभ्यास किया गया है, प्रयास किया गया है ना। और उसका एक अपना पूरा ग्रामर है, पूरा अपना विश्लेषण है, शब्दावली है। तो बहुत सारे शब्दावली को लेकर आएंगे तो उसमें सिर्फ विचार ही हम कर पाएंगे, देखने वाला काम रुक जाएगा। तो इस रूप में ये चीज का पार्ट है कि है ना, अल्टीमेटली सेल्फ को स्टडी करना है, बॉडी को स्टडी करना है। बट जो शब्दावली प्रयोग की जा रही है वो इन क्रियाओं के रूप में की जा रही है। भाई बॉडी को बॉडी की तरह देख लें, सेल्फ को सेल्फ की तरह देख लें। सेल्फ में सेलेक्टिंग है, टेस्टिंग है, एनालाइजिंग है, कंपेयरिंग है, इमेजिंग है, इसको देख लें। फिर जब भी जैसे इस दर्शन में हमको ये शब्द मिलते हैं उसको हम विस्तार से पढ़ें, तो पढ़ेंगे तो ये रिलेट हो जाएगा कि अच्छा ये अल्टीमेटली सेलेक्टिंग टेस्टिंग की बात हो रही है, अच्छा ये अल्टीमेटली एनालाइजिंग कंपेयरिंग की बात हो रही है। सही है भाई, सही है जी। थैंक यू भैया, बढ़िया भैया, थैंक यू, नाइस भैया। भैया एक थोड़ी सा प्रश्न था कि जीवन यात्रा के दौरान सेल्फ क्या शरीर को छोड़कर थोड़े समय के लिए बाहर कहीं जा सकता है और वापस आ सकता है क्या? देखिए, अभी तो आप सेल्फ हैं और बॉडी के साथ है, इसको ऑब्जर्व करें, फिर ये सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं से मिल जाते हैं। तो आप शरीर के साथ हैं, ना कि शरीर के भाग हैं। तो शरीर के साथ क्यों हैं? क्योंकि शरीर को स्वीकारा हुआ है साधन के रूप में। अगर साधन के रूप में न स्वीकारें तो हमारा अलग तरह का निर्णय होगा, साधन के रूप में स्वीकारें तो अलग तरह का निर्णय होगा। शरीर से मेरी दूरी है, ये हम लोग इसको ऑब्जर्व करते रहे अभ्यास दो के स्टेप टू में, शरीर से मेरी दूरी है, स्टेप फोर में है ना, शरीर से मेरी दूरी है। जब दूरी है तो दूरी बढ़ घट भी सकती है। मैं शरीर के भीतर तो नहीं हूँ, ना मैं शरीर का कोई भाग हूँ, ना मैं शरीर का कोई विशेष प्रभाव हूँ, ना शरीर का कोई विशेष क्रिया हूँ। मैं चैतन्य हूँ, शरीर से अलग हूँ, भिन्न हूँ, मेरी दूरी है शरीर से। तो दूरी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जी भैया जी, बढ़िया भैया। प्रकृति के चार अवस्थाएं समझ में आती हैं कि पूरे अस्तित्व को हम एक नजर में देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो अस्तित्व का मतलब जो कुछ भी है क्या है, तो इकाइयां हैं, शून्य है। तो उसको अगर क्लासिफाई करते हुए चले तो पूरा अस्तित्व संस्तित्व है। तो अगर एक नजर में देखें तो अस्तित्व संस्तित्व है, ऐसा दिखाई देता है। अस्तित्व में दो तरह की वास्तविकताएं हैं, इकाई है यानी जो क्रिया है, और व्यापक है जो क्रिया शून्य है। कि नहीं, इकाइयों को देखें तो फिर दो तरफ दिखाई देते, जड़ है और चैतन्य है। तो अगर एक के रूप में देखा जाए तो संस्तित्व है, दो के रूप में देखा जाए तो प्रकृति है और शून्य है, तीन के रूप में देखा जाए तो जड़ है, चैतन्य है और शून्य है ना। अभी जड़ चैतन्य के संस्तित्व को देखा जाए तो चार अवस्थाएं हैं, और चार अवस्थाएं कैसे हैं तो शून्य में है। तो इस तरह से पांच वास्तविकताएं हो गई, चार अवस्थाएं और शून्य। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो परंपरा में भी अस्तित्व को समझने का प्रयास किया गया और बहुत सारे प्रतिपादन किए गए। तो किसी ने अस्तित्व को देखा तो एक प्रकार से रखा, किसी ने प्रकृति और शून्य इन दोनों को देखते हुए अपनी बात रखी तो दो कहा, किसी ने जड़ चैतन्य और शून्य इन तीनों को देखते हुए कहा तो तीन कहा, है ना। फिर इस पर कई और भेद विभेद हुए, मूल मुद्दा इतना ही है। तो जड़ को जड़ की तरह देख लें, चैतन्य को चैतन्य की तरह देख लें, इकाई को इकाई की तरह देख लें, शून्य को शून्य की तरह देख लें। तो दिखता है कि जो इकाइयां हैं वो आकार में सीमित है, जबकि शून्य जो है असीम है। इकाइयां जो है स्वयं में क्रिया है, जो शून्य है वो क्रिया शून्य है। इकाइयां शून्य बने रहते हुए स्वनियंत्रित है, और ये भी दिखता है कि शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है। इसमें बने रहते हुए इकाइयां स्वनियंत्रित है, इकाइयां ऊर्जित है, शून्य में साम्य ऊर्जा उपलब्ध है, है ना। तो उसी साम्य ऊर्जा के आधार पर हर इकाई ऊर्जित है। ये भी दिखता है कि शून्य पारदर्शी है, और शून्य के माध्यम से ही हर इकाई दूसरी इकाई का संबंध को पहचान रही, निर्वाह कर रही है। तो
जो संबंध का पहचान निर्वाह करना हो रहा है शून्य के माध्यम से ही हो रहा है। मैं आपके साथ जो निर्वाह कर रहा हूँ शून्य के माध्यम से ही है। जो मैं मोबाइल के साथ निर्वाह कर रहा हूँ शून्य के माध्यम से ही है। जो मैं शरीर के साथ निर्वाह कर रहा हूँ शून्य के माध्यम से ही है। अब जड़ इकाइयों को देखें तो टेम्पररी है, इनके गठन में परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें दो ही तरह क्रिया दिखाई थी, पहचानना और निर्वाह करना। चैतन्य इकाय को देखें, इसका गठन एक समान बना रहता है, निरंतर है। और इसमें चार तरह क्रियाएं दिखाई थी, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। फिर जड़ इकाइयों को देखें तो दो अवस्थाओं में दिखाई देती है। इस पर उन्होंने बात भी किया था, इस पर किन्हीं कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु परमाणु मिलकर बने अणु, अणु अणु मिलकर बने अणु रचनाएं। अब अणु रचनाएं जो है दो प्रकार से है, या तो एक पिंड बन गया यानी एक एक आकार का ठोस आकार का कुछ बन गया, या रस के रूप में है, तरल के रूप में है। अभी जो रस है इसी में संगठन विघटन पूर्वक कोशाएं बन जाती हैं, प्राण कोशाएं। जैसे पानी को आप छोड़ दें बहुत दिनों तक तो उसके ऊपर काई जम जाती है। आपको देखिए काई आया कैसे, तो पानी ही जो वातावरण का संपर्क है उससे मिलकर काई बना लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हवा में तैर रही हैं वो पानी के ऊपर जैसी रुकती हैं तो उनके साथ जो संगठन विघटन होता है उससे कोशाएं बन जाती हैं। ये जो प्राण कोशाएं हैं यही आपस में मिलकर एक प्रकार से जब रचना बनाती हैं तो पेड़ पौधे हैं, दूसरे प्रकार से रचना बनाती हैं तो जीव शरीर है, तीसरे प्रकार से रचना बनाती हैं तो मानव शरीर है। अब जीव शरीर मैं के साथ संस्कृति में आया तो कहा जीव अवस्था, मानव शरीर मैं के साथ संस्कृति में आया तो कहा ज्ञान अवस्था। तो हम यहाँ पे ज्ञान अवस्था में ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं। ये ज्ञान पूरा हो जाए तो कहा क्रियापूर्णता, यानी चिंतन बोध अनुभव जो अभी अपूर्ण है, ये क्रियाएं अभी जागृत नहीं हुई है, इनमें जागृति हो जाए या अवेकन हो जाए, स्वभाव का चिंतन हो जाए, धर्म का बोध हो जाए, अस्तित्व का अनुभव हो जाए, ये क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसको नाम दिया क्रिया पूर्णता। फिर वैसा ही हमारा जीने जीना हो जाए तो उसको कहा आचरण पूर्णता। तो हमारा व्यवहार में हमेशा निश्चित भाव बना रहे, कार्य में निश्चित भाव बना रहे, उसी भाव के साथ हमारा सारा आचरण हो, अस्तित्व के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, संबंध के भाव के साथ, मेरा हर निर्णय निर्वाह में इसी आधार पर हो, इसको का आचरण पूर्णता, यही हमारा विकास, इतना ही कुल करने काम है जी। इसको लेकर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये बात प्रस्ताव में पहले भी आई है, हमने इसको डिस्कस किया है, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया। हम इसे कई साथ ही इसको विस्तृत रूप से अभी विश्लेषण भी कर पा रहे होंगे। सर ये जो डैश लाइन शो कर रही है ना फ्लूट से सेल की तरफ, क्या डैश लाइन है सर? डैश लाइन जो है फ्लूट से सेल की तरफ जा रही है, डैश लाइन ये तो डैश लाइन। अच्छा अच्छा जी जी जी। इसका सर क्या मतलब है थोड़ा सा इसको? ये दिखा रहा है कि रस ही संगठन विघटन पूर्वक प्राण कोशाय बना लेते हैं। जी जी ठीक है। तो पदार्थ अवस्था में संगठन विघटन होता है ना, तो उसी एक प्रकार संगठित होती है तो प्राण कोशाएं बन जाती है। तो सर ये फर्म लाइन क्यों नहीं है, डैश लाइन क्यों, यही पूछना चाह रहा था। इसलिए है क्योंकि इसमें संभावना है, ऐसा नहीं कि हर बार रस जो है प्राण कोशा बनाएगी। जैसे पानी बना हुआ है, हवा बना हुआ है, ये सब रस है, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, पोखर है ना, ये सब रस है। तो इनमें जो पानी बह रहा है तो रस है ना। अब सारा पानी प्राण कोशा बन जाए ऐसा नहीं है। ठीक ठीक संभावना है और साफ है। थैंक यू जी। बढ़िया भैया। मेरी आवाज धीमी आ रही है, निधि दीदी एक बार बता दीजिएगा आवाज ठीक से पहुंच रही है कि नहीं। जी भैया ठीक से आवाज आ रही है जी। राहुल जी आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा जी। तो यदि इस पर कोई प्रश्न नहीं है। हाँ प्रभात जी हेलो।
भैया जी नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया जी ये जो यूनिट में नेचर लिखा है और जो हिंदी में प्रकृति होती है, तो ये नेचर और प्रकृति एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? आप बताइए। प्रकृति का मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब कि पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सब कुछ आ गया। अच्छा, और नेचर मतलब? नेचर का मतलब भी मैं यही समझता हूँ। तो फिर हुआ ना, प्रकृति का अंग्रेजी शब्द नेचर है। अच्छा, असल मुझे डाउट इसलिए हुआ ना, जैसे फ्रीडम और स्वतंत्रता में अंतर होता है, तो मैं वही सोचा कहीं ऐसा नहीं कुछ अलग अलग से कुछ होता हो। नहीं, यहाँ प्रकृति को ही नेचर कह रहे। जी जी, ठीक है, धन्यवाद भैया, बस यही समझना। बढ़िया भैया। भैया एक बस इसको क्लियर करना था कि जो बॉडी मतलब मटेरियल के साथ जो फुलफिलिंग और रिकॉग्नाइजेशन है, और सेल्फ के साथ जो फुलफिलिंग और रिकॉग्नाइजेशन है, इसको भैया एक बार बता देते। फिर से बताइए। भैया जो मटेरियल के साथ जो रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग है, किसका? इसमें भैया वो टर्म पहचानना निर्वाह करना। जी भैया जी, पहचानना और निर्वाह करना जो मटेरियल के साथ है, और जो सेल्फ के साथ जो पहचानना और निर्वाह करना है। अच्छा अच्छा, ओके। इसके पहचानना निर्वाह करना जड़ इकाई में भी है, चेतन इकाई में भी है। तो जो जड़ दोनों में भैया। जी भैया, जड़ इकाई में जो पहचाना निर्वाह करना है उसके आधार में कोई मानना नहीं है। चैतन्य इकाई में जो पहचाना निर्वाह करना है उसके आधार में मानना है। तो हम कुछ भी पहचानते हैं मानने के आधार पर। जी भैया, तो यही डिफरेंस है ना भैया, मतलब दोनों में अगर हम देखें तो। जी, मतलब वो बस क्लियरिफाई करना था मुझे, मतलब वो थोड़ा मुझे डाउट सा था, तो मैंने कहा पता नहीं यही होगा, तो मैंने कहा एक बार पूछ लूं भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। जिनका प्रश्न अगर चैटबॉक्स में लिखा है तो हैंड करके पूछे, कई बार पढ़ने में कठिनाई होती है। भैया हमारी उत्पत्ति भी फिजिकल ऑर्डर से है, अभी तो जैसा वैसा उसको ऑब्जर्व करें, है ना? इस पे कई बार बात हुई है, अभी तो हम अपने आप को ऑब्जर्व करें जैसा है। एक बार अपने को सेल्फ में ऑब्जर्व कर पाएंगे तो फिर ये बाकी सारे जितने प्रश्न है ना जुड़े हुए, उनके बारे में सहज रूप से हम समाधानित होने लगते हैं। बढ़िया, तो इस पे और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अगली साइड पे चलते हैं। तो सहसे तो किस प्रकार से प्रकट हो रहा है प्रकृति के रूप में, अगर उसको देखें तो प्रकृति में जो भी इकाई है इन चार अवस्थाओं में, उसके पांच आयाम हैं, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म। तो स्वभाव, धर्म और परम धर्म को देखें तो निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है, इसलिए इनको हम ज्ञान हो सकता है इनका, इसलिए इनको हम समझ सकते हैं। तो स्वभाव है, धर्म है, सारे यूनिट्स का अगर हम देखें जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, तो इसको अभी हम लोग विस्तार से और बात करेंगे, पहले भी बात की है। तो जो स्वभाव और धर्म है सारे इकाइयों का, तो इस अस्तित्व का ही प्रकटन। जी, तो ये नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। तो हम अगर सारी अवस्थाओं को एक साथ देखें, सारी अवस्थाओं के साथ देखें तो उनका हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से हर अवस्था में इकाइयां बनी हुई हैं, हर इकाई में क्रिया हो रही है, हर इकाई का एक निश्चित धारणा है, निश्चित स्वभाव है और अनुसंगीयता भी है। ये हम लोगों ने स्टडी किया था पहले भी, उसको भी इलैबोरेट नहीं करते, ये हमारे ध्यान में होगा। इस डायग्राम को हम एक नजर देख लें, अगर इसके किसी शब्द के अर्थ को लेकर प्रश्न बना हुआ है तो उसको रख सकते हैं। अगर इस डायग्राम में एक शब्द स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई शब्द स्पष्ट नहीं है उसको पहले पूछें, ताकि हम लोग फिर इसके फर्दर विस्तार में जाएंगे। तो चार अवस्थाएं हैं, है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। इकाय के रूप में देखें तो लिखा मिट्टी, धातु, अधातु, ये सब पदार्थ अवस्था में है। प्राण अवस्था में पेड़ पौधे हैं,
जीव अवस्था में पशु पक्षी है, ज्ञान अवस्था में मनुष्य है। जी प्रशांत जी। भैया अभी जो बात चल रही है फिजिकल ऑर्डर में, तो अभी एक सॉइल और रॉक मेरे इसमें आ गया थोड़ा सा इसमें जी। तो सॉइल और रॉक जो है ये जड़ वस्तु ये है, पदार्थ अवस्था में है। हाँ। तो अभी जैसा बारिश हो रही है तो सॉइल स्वेल हो जाएंगी और बाद में वो श्रिंक हो जाएंगी, तो क्या ये जो एक्टिविटी है सॉइल की, ये मिट्टी की, इसे हम जानना, क्या बोलते हैं, हम निर्वाह करना बोलेंगे, पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, पहचान निर्वाह करना हो रहा है। मतलब जैसा पत्थर भी है समझो, तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो भी वो मान रहा है और मतलब निर्वाह कर रहा है, पहचान रहा है? हमको लग रहा है कि इफेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो पत्थर में इरोजन कैसे हो रहा है। अच्छा जी जी जी, पत्थर में इरोजन हो रहा है ना। हाँ हाँ, पत्थर का इरोजन होके सॉइल बन गई, बराबर। हाँ, तो मतलब ये फिजिकल ऑर्डर में या वो जो भी इकाई है जड़ इकाई, इसमें जो अपने आप नेचुरल वे में होते रहता है उसी को ही हम पहचानना और निर्वाह करना बोलेंगे। जी जी, भले हमको दिखता नहीं है, वो जड़ है, वो पत्थर है, वो मंदिर है, वो बिल्डिंग है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जरूर है, देयर इज अ सेटलमेंट, वो कुछ सेटल हो रहा है, वो सॉइल स्वेल हो रही है ना। तो, हाँ भैया, बिल्डिंग ही है अभी खड़ी है, ठीक। हाँ। तो निश्चित प्रकार से धरती के साथ पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। कल अर्थक्वेक आ गया और 7.6 रिक्टर स्केल पे आ गया, वो धरती धराशायी में हो, जो बिल्डिंग है धराशायी हो गया, तो उसी पहचाने निर्वाह करने के आधार पर हुआ कि उसको इतनी जोर से हिला दिया है ना, या इतनी जोर से हिल गया कि धरती में वापस वो आके मिट्टी में मिल गया बिल्डिंग, तो पहचानना तो हो ही रहा था ना। मतलब वो बिल्डिंग में ग्रेविटी जो है, हाँ, हाँ, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बेस के अगर बीच में है तब तो ठीक है, बिल्डिंग खड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रक्चर का बेस से बाहर आ जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। यस, इसेंट्रिक हो गया, पहचानना निर्वाह करना ही तो है। अच्छा, मतलब वो जड़ वस्तु ने वो जो वेव्स है अर्थक्वेक की उसको पहचान लिया, रिश्टर स्केल को मान लिया, और ये मान लिया, बात ना करें, उसमें पहचानना तो हो ही रहा है, धरती के साथ संबंध का पहचानना हो रहा है, उस पहचानने के साथ ही बिल्डिंग खड़ी है, बराबर। तो निर्वाह करना हो गया, मतलब दो ही स्टेप अपन उसको बोलेंगे, मानना नहीं, गलत वर्ड हो गया। निर्वाह यह है कि एक रूप में खड़ी है, एक तरह से खड़ी है बिल्डिंग, उसके साथ भी देखे तो बिल्डिंग पिछले साल देखे तो आपने प्लास्टर कराया था, बड़ा चमक रहा था, पेंट कराया था, डिस्टेम्पर कराया था, अब इस साल वो चमक कम हो गई है। जी, बिल्डिंग हवा के साथ पहचान निर्वाह करना कर ही रही है ना। सूरज की रोशनी है, उसके साथ पहचान निर्वाह करना हो ही रहा है, जिसमें ताप है तभी तो वो फेड हो जा रहा है, कलर फेड हो जा रहा है, बारिश हो रही है, उसके साथ वो है ना, उसके दीवारों पर चिप्पियां बन बन के निकलने लगी हैं, ये सब कैसे हो रहा है? जी बहुत बढ़िया भैया, मस्त ऐसे ही प्रश्न आते रहे और आप उसका आंसर देते रहे, हम बढ़िया हैप्पी होते रहे। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद सभी को, बढ़िया भैया। हाँ भैया नमस्ते, भैया मुझे ये पूछना है कि जैसे जो एनिमल ऑर्डर है और बायो ऑर्डर है, तो एनिमल ऑर्डर को मैं ऐसे समझता हूँ कि जिसमें पहचानना निर्वाह करना है हम इसे ट्रेंड कर सकते हैं। अच्छा, बायो ऑर्डर को मैं ऐसे समझता हूँ कि ऐसे कैसे चलेगा, इतनी बार बात हो गई, जीव अवस्था में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है या मानना भी है? मतलब वो पहचानना निर्वाह करना है और मानना है, सॉरी, तो मानना जानना नहीं है, सॉरी गलत बोल गया मैं, तो वो हो गया एनिमल ऑर्डर। अच्छा, बायो ऑर्डर में है वो रेस्पिरेशन है, लेकिन कल एक बात हो रही थी मच्छर को लेके, तो मैं अगर इसकी अनुसंगिता को देखूं तो यहाँ पे ब्रीड बेस है और सीड बेस है बायो ऑर्डर, तो मच्छर को कहा गया कि ये है बायो ऑर्डर में आता है, जैसे जिनपे इनमें पहचानना निर्वाह करना होता है, इनको ट्रेन नहीं कर सकते, तो अब ये अनसंगता को देखो कि ये सीड बेस्ड है कि ब्रीड बेस्ड है, मतलब मैं क्या लेके चलूं इसमें? ब्रीड वहां पर है जहां पर सेल्फ और बॉडी का कोई डिस्टेंस, वंश की बात वहीं हो रही है जहां सेल्फ और बॉडी दोनों है, जहां सेल्फ और बॉडी नहीं है वहां वंश की बात नहीं हो रही, तो फिर तो एक रचना है शरीर की,
तो मच्छर के लार्वा से जो ये तैयार हुए मच्छर के रूप में होंगी, जैसे नीम के बीज से नीम का पेड़ तैयार होता है, ऐसे मच्छर के लार्वा से मच्छर तैयार होता है, नहीं है? अच्छा, इसी में कंफ्यूजन था मेरे को एक तरीके से, इसीलिए। सेल्फ और बॉडी का जो कोएग्जिस्टेंस है ना उसको ऑब्जर्व करना हो तो एनिमल ऑर्डर में सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि मानना पहचान निर्वाह करना है, ये भी कह रहे हैं कि सेल्फ भी है और बॉडी भी है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ सेल्फ नहीं है, है ना, उसको उस रूप में देखेंगे, फिर पहचान निर्वाह करना है। जी 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 जी, ठीक है भैया, वही कंफ्यूजन था कि ब्रीड बेस्ड और स्पीड बेस्ड। हाँ बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। हाँ भैया, ये पहचानना निर्वाह करने से एक बना प्रश्न, तो भैया जैसे हवा है, हवा किसी चीज से टकराई या उसके साथ आई, मॉइस्चर उसमें है, तो मॉइस्चर के साथ में जैसे डिस्टेंपर की भी बात हो रही थी, तो डिस्टेंपर से मॉइस्चर आई उसके साथ संपर्क में आई, तो इनके साथ में कोई क्रिया होगी, उसको उन्होंने पहचाना, संबंध क्या है वो पहचान के, और उसके आधार पे जो क्रिया हुई कि डिसेंबर का फेड हो गया वो, तो क्रिया को निर्वाह करना बोला है और जो संबंध उनके बीच में वो पहचानना हुआ, ऐसा ही कह रहे हैं ना? हाँ, तो जो नई रचना तैयार हुई वो निर्वाह के आधार पर हुई। जी, तो निर्वाह हुआ, और जो निर्वाह हुआ पहचानने के आधार पर हुआ, संबंध के आधार पर हुआ। जी जी भैया, हाँ यही भैया, ये कन्फर्म करना चाह रहा था। जी बढ़िया भैया जी, रचना विरचना राहुल जी का प्रश्न है, डिफरेंस इन फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, जब भागीदारी के रूप में देख रहे हैं तो संगठन विघटन कह रहे हैं, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन कह रहे हैं, जब क्रिया के रूप में देख रहे हैं तो रचना विरचना कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली जैसे बिल्डिंग बना ये संगठन है, टूट गया ये विघटन है, तो रचना तो और विरचना तो हो ही रही ना, इसमें विरचना और रचना दोनों हुई है, इससे बिल्डिंग तैयार हुआ है, मिट्टी को काटा ईंट बनाया ये विरचना हुई, ईंट को ईंट पे जोड़ा ये रचना हुई, भागीदारी के रूप में देखे तो क्या हुआ, एक बिल्डिंग तैयार हुई, ये संगठन है, बिल्डिंग गिर गया ये विघटन है, वहां भी रचना विरचना हो रही है, तो बिल्डिंग का टूटना विरचना हुआ बट उसे एक नई रचना तैयार हुई, डेब्री तैयार हो गया पूरा, वो जो मलबा है वो तैयार हो गया, एक नई रचना तैयार हो गई, तो रचना विरचना क्रिया के रूप में है, संगठन विघटन भागीदारी के रूप में है। हाँ, आज की चर्चा में आपने बताया कि जीवन जो है शरीर में कुछ दूरी बना के रहता है, ये दूरी कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, और पिछली चर्चा में ये आया था कि जीवन जो है शरीर के साथ ही एसोसिएट करके रहता है, क्योंकि अगर वो दूरी बना लेगा तो फिर शरीर कौन चलाएगा, तो फिर ये इसमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आया है मुझे कि अगर दूरी, इसलिए आप दूरी नहीं बनाते हैं जी, मतलब उतनी दूरी नहीं बनाते कि शरीर को ना चला पाए। अच्छा। तो आप शरीर के साथ हैं, दूरी बनी हुई है, बट आप दूरी को एक निश्चित सीमा में ही रखते हैं, उससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो शरीर को चलाएंगे कैसे, तो कैसे होगा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? नहीं, अभी तो इसको हम देखें कि अभी हम शरीर के साथ किस प्रकार से बने हुए, अभी तो एसोसिएट है बिल्कुल, उसकी पुंजाकार के साथ संपर्क को बनाए हुए हैं, और अभी तो क्योंकि हम अपने आप को ठीक से समझते नहीं है तो अपने आप को शरीर मान के जीते हैं जी, तो जो शरीर के मेधस के साथ जो हमारा सहस्तित्व बना हुआ है उसको लेकर हम बहुत सारा सशंकित रहते हैं, बहुत सारा भयग्रस्त रहते हैं कि ऐसा ना हो ये छूट जाए, संपर्क ही टूट जाए, तो अभी तो हम उसी सीमा में जी रहे हैं, उसके बाद है ना कितनी सीमा में हम फैल सकते हैं या दूरी बढ़ा सकते हैं वो तो अभी हम उसका निर्णय ही नहीं कर पाते जी, तभी तो इसको ऑब्जर्व करें कि मैं शरीर के साथ हूँ, दूरी जब कह रहे हैं तो उसको फिजिकल डिस्टेंस के रूप में नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शरीर जहाँ है वहां मैं भी हूँ बट मैं शरीर का भाग नहीं हूँ। अच्छा, तभी फिजिकली मैं उसी स्थान पे हूँ जहाँ शरीर है, बट हाँ फिजिकली जहाँ पे शरीर है वहां से मैं भिन्न स्थिति में हो सकता हूँ, क्वाइट पॉसिबल, बट अभी हम तो क्यों करेंगे, भिन्न स्थिति कैसे, शरीर के साथ एसोसिएट तो रहेगा, कुछ दूरी बना के रहेगा, पुंजाकार में रहेगा, तो भिन्न स्थिति और क्या हो सकती है,
बनने से होता है कि यहाँ शरीर है और आप इससे 4 मीटर दूर निकल गए चांद पर, 4 मीटर दूर निकल गए कह रहा हूँ मैं। अच्छा 4 मीटर, तो 4 मीटर 4 मीटर दूर से शरीर को जीवन चलाता रहेगा, नहीं चला पाएंगे। हाँ, तो उसको एसोसिएट रहना जरूरी है, तो फिर ये धारणा गलत है कि वो जीवन छोड़ के और वो शरीर छोड़ के जीवन निकल जाता है और फिर घूम घाम के फिर आ जाता है, तो वो तो फिर नहीं गलत कहाँ है। अभी तो आपको लग रहा है ना कि शरीर से जैसे ही मेरा संपर्क टूटेगा ठीक मेरा से तो ही चला जाएगा हो सकता है। हाँ, तो उस भय के साथ हम शरीर को चला रहे हैं, जब शरीर को साधन के रूप में ठीक ठीक देख पाते तो भय नहीं रहता फिर वो, ठीक है। तो फिर वो निर्णय लेंगे जो सहसित्व के अर्थ में होगा, शरीर के साथ बने रहने में सर्वशुभ है तो उस अर्थ में रहेंगे, शरीर से दूरी बनाने में सर्वशुभ है तो उस अर्थ में रहेंगे, तो हमारा ही निर्णय है। दूरी मतलब थोड़ी बहुत ही बनेगी जो कि 4-5 सेंटीमीटर जिससे उस औरा को उस पुंजाकार में शरीर को। अभी देखिए बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है ना, अभी तो हम ऑब्जर्व करें अपने आप को, ठीक है, नहीं तो सब भाषा के रूप में रहेगा, इससे बात हुई है पहले भी, तो भाषा के रूप में रह जाता है, ठीक, परंतु वो जो वास्तविकता है उसको हम नहीं देख पाते। तो मेरी शरीर से किस प्रकार दूरी है उसको ऑब्जर्व करें, यानी मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, स्थान में वहीं पे हूँ जहाँ शरीर है बट शरीर का भाग नहीं, इसको ऑब्जर्व करें। जितने भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं ना उसके उत्तर अपने आप में मिलने लगते हैं। अब वो ये शिविरों में बताते हैं ना वो बॉडी बना करके वो ऐसे पुंजाकार बनाते, तो हमारे ध्यान में वही आ जाता है कि बॉडी ऐसे पुंजाकार में चल रही है। वो तो ठीक है, पुंजाकार में है आप, है ना, पूरे शरीर में आप फैले हुए पुंजाकार में फैले हुए जी, इतना भाग तो ठीक है, ठीक वो पुंजाकार की, मगर शरीर से जो डिस्टेंस बढ़नी है ना वो तो आपका निर्णय है। और क्यों बढ़ाएंगे जब हमको भी पुंजाकार ही समझ में नहीं आ रहा, हम उसको देख नहीं पा रहे कि कैसे मैं पुंजाकार में हूँ, तो उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे जांच पाएंगे। तभी तो हम अपने आप को पुंजाकार में देखें, किस प्रकार में पुंजाकार में हूँ, उसमें कोई औरा और इस तरह के शब्दों को लाने की जरूरत नहीं। क्या जितने नए नए शब्द हम जोड़ते हैं उतना हमारा ऑब्जर्वेशन रुक जाता है, विश्लेषण चले जाते हैं, एक मेजर बाधा हो जाती है कई बार। तो शब्दों का उपकार इतना ही है कि वास्तविकता इंगित हो जाए, बट जब वास्तविकता को जैसा है वैसा मैं देख रहा हूँ कि शब्द भी छूटने लगते हैं। तो अभी तो कुल बात इतनी है कि जीवन जो है शरीर के साथ ही एसोसिएट करता है, बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाएगा तो जीवन शरीर... कहें आप शरीर के साथ हैं। सेल्फ जी, सेल्फ भी ना कहें आप मैं शरीर के साथ हूँ, ठीक है, मैं शरीर के साथ हूँ, ठीक है, बढ़िया। और किस प्रकार मैं साथ हूँ ये देखना है मुझे, क्या देखना है, मैं किस प्रकार इस शरीर के साथ हूँ ये मुझे देखना है। जी जी ठीक, ये ध्यान के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिर हम अलग से ध्यान की बात के ऊपर हर क्षण देखें इसको। अच्छा, तो सर शरीर ही दिखता है, जीवन तो दिखता ही नहीं है, वो तो उस महसूस करने की प्रायोरिटी नहीं है ना, अभी रुकिए, उसकी प्रायोरिटी नहीं बनी है देखने की जी, नहीं दिखता है, नहीं तो हर क्षण दिख सकता है, चलते फिरते खाना खाते उठते बैठते सोते हर क्षण दिख सकता है। हाँ, ये अनुभव में तो आता है कि शरीर को जीवंत और जागृत बनाए हुए है, तो ये सेल्फ ही बनाए हुए है, तो अब वो ये अनुभव नहीं है, रुक जाइए, ये फिर एक सूचना ली है हमने जी, ये सब अभी मान के चल रहा है। हाँ ठीक, हमने सुन लिया, उसको विचार किया, बात हमको कहीं से पच गई कि हाँ बात ठीक लग रही है, देखा नहीं दो कर्तव्य जिसके से जिसके बॉडी से जीवन निकल गया वो धरती पे ही लेट जाता है, फिर उठ ही नहीं पाता। आपको कैसे पता कि जीवन निकल गया? उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी तो जीवन ही कराता है, सेल्फ ही कराता है। ये कैसे पता कि वो एक्टिविटी जीवन ही कर रहा था? ये सेल्फ है, वो शरीर को शरीर तो जड़ है और वो चैतन्य है, तो चैतन्य ही तो जाकर पता कि सेल्फ है। ये कैसे पता चला कि सेल्फ है? ये सब आप बताते ही हो शिविरों में, ये तो आपने सुना। हाँ, समझा कहाँ जी, ये तो सब सुनी सुनाई बात हो गई ना जी, तो सुनी सुनाई बातों से हमारे जीने में कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं आएगा। हाँ, एक नया सूचना मिल गया, ठीक, एक नया विचार बन गया, वहां तक तो ठीक है, बट उसके आगे जब तक हम देखेंगे नहीं वो विचार रूप में ही रहेगा। तो हम कहते हैं दूसरा कि है ना शरीर शांत हो गया, यानी वहां से
जीवन निकल गया। अब ये तो हमने सूचना के आधार पर, मानने के आधार पर कहा, जब तक मैं स्वयं को ना देख लूं कि मैं शरीर के साथ हूं, शरीर का भाग नहीं हूं, तब तक ये सब सूचना है, सब मानना है। जब अपने बारे में क्लियर नहीं तो अगले के बारे में क्लियर कैसे होगा? और जब अपने बारे में क्लियर नहीं होता तो हमारे अंदर हमेशा शरीर के जाने का भय भी बना रहता है। जब मान लेते हैं मैं शरीर गया तो मैं गया। तो भैया स्वयं को तो बस ये समझ के सूचना के द्वारा ही जानते हैं, उसको देखना कैसे होता है ये तो नहीं आया ना, या किसी को आ भी गया क्या देखना कि उसने सेल्फ देख लिया है? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, अगर नहीं देखेंगे तो ये सिर्फ मानने में रहेगा, अच्छा कहानी जैसा रहेगा। ठीक है, तो चूक भी तो यही होती है ना, परंपरा में तो हमने बहुत सारी कथा कहानियां सुनी बट उसे मानने तक ही रोका, जांचा नहीं, देखा नहीं, तो उसे जीने में कोई गुणात्मक परिवर्तन होता नहीं। इसलिए अभी जो मानव समाज है की हालत ऐसी दिखाई दे रही है। बातें तो सत्य के अर्थ में बहुत सारी कही गई बट हमने उसको कथा कहानी के रूप में ही लिया, है ना, सूचना के रूप में लिया, जांचा नहीं, देखा नहीं, तो जीने में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। इतना जरूरी है कि सही मानने से, यानी जो है उसके अनुरूप मानने से हमारे आचरण में कुछ निश्चितता बनी रहती है, बट वो कुछ निश्चितता सामयिक है, कब वो अनिश्चित हो जाए निश्चित नहीं है। ठीक बात, ठीक है, बढ़िया भैया, बढ़िया भैया। भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पुंजाकार क्या है? पुंजाकार मींस मतलब क्या? अभी आप अपने को ऑब्जर्व करें ना, फिर वो नए नए शब्द आएंगे तो वही वही। सर भैया मैं तो है ना ये सब इतना सारा सोचती ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा देखती हूँ बस, ये शरीर है, शरीर के अंदर मैं है और ये साधन है, मतलब इन सब चीजों में एक चूक ये होती है कि हम बहुत सारे शब्दों को लाकर है ना उसको विचार तक रोक लेते हैं, तो हमारे अंदर एक कथा कहानी के रूप में रहता है। दूसरा है कि हम मूवी भी न करें और ऑब्जर्व भी ना करें, हम भी कुछ अन्यथा मान लेते हैं, वही विचार बना रहता है। तो शरीर के अंदर आप नहीं है, शरीर के साथ है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, शरीर के साथ है ना कि शरीर के अंदर। तो चैतन्य मतलब मैं जो है शरीर के अंदर है नहीं है, साथ है, मतलब शरीर को एक साधन के रूप में है वो यूज कर रहा है। यूज कर रहा नहीं, यूज कर रही हूँ मैं, शरीर का साधन के रूप में यूज कर रही हूँ। उसको पर्सनलाइज कर लीजिए, है ना, अभी वो एक्सटर्नल बना हुआ इंफॉर्मेशन, तो मैं शरीर के साथ। बहुत सारे जो शब्द आते हैं ना वो उसमें उलझ जाते हैं। नहीं तो नल है ना, इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर शब्द को लेकर प्रश्न कर रहा है तो हम लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो साथ में ये भी कहते हैं कि आप है ना इसके बगैर भी देख सकते हैं जी। तो आप देखिए अपने आप को, ऑब्जर्व करें अपने आप को जी। अभी सेल्फ कहने से हमको लगता है कोई दूसरी वस्तु हो गई, मैं कहने से भी अगर मैं है कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता है तो फिर लगता कोई बाहरी वस्तु है। मैं ऐसा करती हूँ कहिए तो आपके बारे में बात हो रही है। जनरली तो यही बोलते हैं ना, मैं ऐसा करती हूँ, जनरली तो आम भाषा में तो यही बोलते हैं। हाँ बट जब आम भाषा में बोल रही हैं तो ये निश्चित नहीं होता कि आप अपने बारे में बात कर रही हैं या अपने और शरीर को जोड़कर बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत सूक्ष्म है चीजें, बहुत बढ़िया सब भैया, क्लियर हुआ, थैंक यू। बढ़िया दीदी। हाँ भैया थोड़ा सा इसी में, ये जो सेल्फ को देखने की हर क्षण की जो बात हो रही थी इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन था भैया, ये कह रहे थे कि जो हर क्षण तो नहीं लेकिन जब हम अपने को देख पाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा जिस आचरण में हम ये जानना चाह रहे थे कि हमने ये थोड़ा फीलिंग किया कि जब हम अपने को देख पाते हैं या हम हर क्षण में साथ हूँ, बराबर से कार्य कर रहा हूँ तो शरीर के साथ हूँ हमेशा, तो उस समय की अवस्था कुछ बहुत ही अलग होती है। तो दुनिया ऐसे लगते है कि दुनिया से जब हम उस स्थिति में होते हैं तो ये आचरण में हम उसका क्या मॉडल दिखाई देगा, जैसे जो हर क्षण अपने को स्पष्ट देख पाता है
उसको हम दूसरा कोई उसको महसूस कर सकता है क्या? जैसे मैं अपने ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अपने साथ, जैसे शरीर के साथ हूँ हर क्षण, तो मेरे अंदर का जो भाव है, मेरे अंदर की जो क्रिया है, वो अपने आप में तो मैं बहुत, मतलब कहें तो बहुत मस्त हूँ, या अपने आप में ऐसा हूँ कि जैसे पूर्णता वाली स्थिति महसूस होती है उस क्षण जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो कोई वेदना कोई संवेदना किसी प्रकार का कुछ बचता नहीं है। जब हर क्षण अपने को देखता हूँ किसी प्रकार की कोई चीज ऐसा लगता नहीं कि मैं रोक लेते हैं ना, ऐसे थोड़ा क्लैरिफाई कर ले। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को शरीर से भिन्न देख रहा हूँ तो पूर्णता हो गई ज्ञान की, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हुए भी मेरे लिए सुख का स्रोत क्या बना हुआ है ये देखना जरूरी है। अगर सुख का स्रोत संवेदना बना हुआ है तो अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हुए संवेदना सुखी होने में लगे रहेंगे, क्योंकि अपने अंदर ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। तो शरीर से जैसे संवेदना की भी कोई लालसा, मतलब कोई भाव से भी सुख लेने की इच्छा नहीं रहती है फिर उसमें किसी वस्तु वैभव की, तो बात जैसे अपन अलग कर दे रहे, कोई भाव से भी सुख लेने की आवश्यकता नहीं होती अपने आप में। मतलब वही हम एक पूछना चाह रहे थे कि उसका जो हर क्षण अपने को देख पाता है उसका मॉडल क्या महसूस होता है, मतलब यदि दूसरे को हम देख सकते क्या कि ये अपने को हर क्षण देख रहे हैं, उनको हम देख के समझ सकते क्या, या अपने आप में भी ऐसी कौन सी फीलिंग्स है जो ये महसूस करा देती है कि हाँ हम अब बिल्कुल राइट अप चल रहे हैं हर क्षण। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि जहाँ संवेदनाएं भाव से भी सुख लेने की लालसा नहीं बची है, तो उस स्थिति को क्या कहें? वही तो बात हो रही है, जो ब्लॉक B1 के एक्टिवेशन की बात हो रही है, सारी बात इतनी ही है कि वही मेरी स्थिति है। वो भाव मेरे अंदर संबंध का होगा, व्यवस्था का होगा, शक्तित्व का होगा, तो पहले अपने आप में देखें। तो अपने आप में जब देख पाएंगे कि इसके साथ मेरा आचरण क्या होता है, तब हम दूसरे के आचरण को पहचान कर तय कर पाएंगे कि उसमें ये भाव है कि नहीं। तो पहले तो अपने अंदर ये भाव को देखें, उसके बाद आचरण को देखें। जैसे स्टेप 6 और 7 को देखें, अभ्यास 1 का, तो उसमें ये बात हो रही है कि मेरे अंदर संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, शक्तित्व का भाव हो, है ना। इसके लिए मुझे चिंतन को है ना, बोध को, अनुभव को जागृत करने की आवश्यकता है, और यही भाव के अंदर मेरा हर क्षण मेरा निर्णय हो। तो ये बात जो हम लोग स्टेप 6 और 7 में कह रहे हैं अभ्यास 1 को, उसको स्वयं में करेंगे तो हमको अपने आचरण में परिवर्तन दिखाई देता है। जो परिवर्तन मुझे अपने आचरण में दिखाई देता है, वही अगर दूसरे में दिखाई दे तो कह पाते हैं कि हाँ दूसरा व्यक्ति भी समझ रहा होगा, है तो नहीं कह पाएंगे होगा। जी, एक और बस थोड़ी सी समस्या आपकी थी कि इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, हम फील कर रहे हैं और लगता है कि मतलब उस अवस्था से हटना भी नहीं चाहता, मतलब जो अवस्था में हम जाते हैं उस समय उससे हटना भी नहीं चाहते, लेकिन इसमें रेगुलरिटी नहीं बन रही है जितना देख पाते हैं। परंतु बहुत सारी और इच्छाएं बनी हुई है जिसको पूरा करना भी उसी समय आवश्यक लगता है जी। तो उसको हम पूरा करने लगते हैं, फिर हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है, तो जो दिखने का काम हो रहा था वो बाधित हो गया। जी जी, उसमें वही रेगुलरिटी नहीं बन रही है, तो बस यही लगता है, हालांकि वहां से हटना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लगता है बस वही अवस्था बनी रहे तो बहुत बेहतर है। जहाँ संवेदना तक से सुख लेने की लालसा खत्म हो जाती है, संबंध से भाव से, मतलब ठीक है, हड़बड़ी ना करें, अभी ये सब हमारी कल्पना में होगा, है ना, काफी संभावना है कि ऐसी स्थिति आती है, वैसा अभी नहीं, जो है उसको देखिए। ठीक ठीक भैया जी, UHV3 का पर्पज यही है कि स्वयं को, ज्ञान को लेकर, अस्तित्व ज्ञान को लेकर पूरी जितने भी तरह के प्रश्न अपने बन रहे हैं उन सब पे हम समाधानित हो जाए। बढ़िया। अनाउंसमेंट यही है कि हम सब अगर वॉलंटियरिंग एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो हेल्थ का सेशन भी होता है 7:30 बजे, और तारा भैया ने मेंशन किया है इसे चैट बॉक्स में, तो उसे भी हम रेफर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं।